सिर्फ कॉल रिकॉर्ड मैं 1.5 लाख आदमी का चुनिया हुआ मैं सब का फोन चकदा वा और चकूंगा भी सिर्फ कॉल के आधार के उत्ते मैं NDPS वर्ग एक सीरियस जुर्म के पहला बादलों ने जो कि फाइटिंग दैम फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह राज में जो राणा गुरजीत जरा यह मुछड़ जहा है जो इन मैं कटाया उस माइनिंग आए केस चो जो रेता बजरी जरा इन्हें खालसामे तो 25 करोड़ रुपया बेनामी बोली दी फिर कैप्टन अमरिंदर के राही इन्होंने एक साजिश के तहत बकायदा पब्लिक प्रोसीक्यूटर वरत के सरकारी अमला वरत के कोर्ट चो मैं गल करा रहा है इसे FIR 35 च मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सी जरा भगवंत मान मेरे ना बैठता हूं मेरी सपोर्ट करता सी SFIR में अमन अरोड़ा मेरे ना बैठता सी बलजिंदर कौर कुलतार संधवा मेरे नाल इस FIR कहते झूठी आ और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट ने उस जरा अदालत ने समन किया 2017 च इसे FIR 35 च मेरे समनिंग स्टे कर दिते समनिंग स्टे रही क्योंकि लॉ पॉइंट सिखा कि दूजियां नूं सजा करन तो बाद जिहड़े बंदे दा FIR च नाम नेगा चलान च नाम नेगा जिहदे च रिकवरी कोई नहीं जिहदा दोष कोई नहीं गा उन्हों अदालत समन कर सकती है फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस का बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस बेंच ने इसे FIR 35 के जिहड़ी समनिंग सी फाजिलका अदालत वालों उन्हों कोश कर दिता और इसे ही FIR के आधार से BJP ने अपना गुस्सा कढ़ाया क्योंकि मैं युवापा के केस लड़ता सी किसानों के अंदोलन में हिस्सा लेंदा सी इसे ही FIR को आधार बना के मेरे से उन्होंने PMLA का केस बनाता हूँ मैं तो हाई कोर्ट गया सीगा कि जब मेरी समनिंग कोर्ट की समनिंग ही खत्म हो गई है FIR 35 च तो मैं तो हाई कोर्ट गया वहाँ कि क्वाश कर दो सारा मामला क्वाशिंग की मेरी 6 अक्टूबर डेट लगी हुई है फॉर स्टेइंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ PMLA कोर्ट इधरों उस FIR भगवंत मान जो मेरे नाल बह के सपोर्ट करता सी कुलतार संधवा ते अमन अरोड़ा उस FIR हुण इन्हां नूं मैं दोषी लगन लग गया क्योंकि इन्हां दे कोल होर कुछ है नहीं सीगा पहला जिहड़े परचे दर्ज कीते उहदे च मेरी एंटीसिपेटरी बेल हो गई ते हुण इन्हां ने मैनूं अरेस्ट किया उस FIR और सुनो बिल्कुल यही चार्जेस कि कॉल रिकॉर्ड सी जी ड्रग मनी सी जी सारा झूठों झूठ बना के यही तो चलान मेरा ED का वा यही 78 दिन 80 दिन मैं जेल कट्टी आ और हाई कोर्ट के जज साहब ने मैं रेगुलर बेल ग्रांट की है इसे इल्जाम च कैन यू पनिश अ परसन अगेन एंड अगेन फॉर द सेम क्राइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स आ साडे देश का इस वक्त पंजाब दे विच गुंडियां दा राज बदमाशां दा और ये आ चल रहा है SIT दे मैं अफसोस लास्ट मिनट जी एक मिनट SIT दे मैं अफसोस आ वॉट इज SIT स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम स्वपन शर्मा वह है यदा फर्ज नहीं बनता मैं इलेक्टेड MLA हाँ थ्राइस फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये मैं नोटिस भेजता मैं जानता मेरी गल तो सुन लेंदा मेरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरस का देख लेंदा मेरी हाई कोर्ट की बेल तो देख लेंदा बस किसी तरीके खून के प्यासे हुए थे लाइक आई सेड आई एम सैडेंट ऑफिसर्स लाइक स्वपन शर्मा हू हैव बिकम पेड मर्सनरीज ऑफ द गवर्नमेंट ये मैं दुख है इस गल का वा इन्हों का कम नहीं गा इन्हों का कम है संविधान तो तनखाह लेंगे ने ये किसी भगवंत मान के जुत्ती चट नहीं बनना चाहिए इन्हों तो तनखा नहीं लेनी चाहिए और भगवंत सुन ला तू चंगी तरह राज हमेशा नहीं रहा एक सार ये राज परिवर्तन होगा असी तो भुगत नहीं हाँ मैं जेल भी कई बार जाया मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह बड़ी बारी नैशनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल गए ने तू साडे नौजवानों नू नैशनल सिक्योरिटी एक्ट में अंदर किया वा तेरे तो नहीं भुगत होना तेरे तो एक दिन नहीं थाने रह होना मर जाएगा दारू तो बगैर तेरा पता सारी दुनिया को So here's the story. लिया गया इतने उन्होंने मैडिकल होना उस तो बाद कोर्ट के पेश जो किया जाऊगा इस टाइम सुखपाल सिंह खेरा ने जो मीडिया ने गलबात की जिला फाजिलका हल्का जलालाबाद जलालाबाद के सदर थाने के जी FIR 15 तारीख दर्ज सी